जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। शार्प क्यों है? अबे जितना हाइट इंसान की बढ़ती है ना उतने उतने दिमाग के लेयर्स बढ़ते हैं, इसलिए ही हैज द पावर टू गेट लेड विद सो मेनी पीपल, दैट्स द थिंग। ब्रो चल मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। फाइन। ये जितने खूबसूरत है ना उतने ही नाजुक भी है, संभाल के इन्हें चोट मत पहुँचा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, मेरा इनसे काफी पुराना रिश्ता है, फिक्र मत करो कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मैं तो इन फूलों के कांटों से बात कर रहा था। सब इन फूलों को अलग अलग निगाहों से नजर कर जाते हैं, इन पर भंवर और मक्खी भी मचल कर चले जाते हैं, किसी को पसंद आए तो तोड़ कर भी चले जाते हैं। ये कांटे बेकार ही हिफाजत में लगे रहते हैं। ये कांटे बिल्कुल इंसान के अहम, गुरूर और ईगो की तरह होते हैं, अगर थोड़े से भी बढ़ जाए तो इंसान को तबाह कर देते हैं। आई एम मलाइका एंड यू आर? आई एम अयान। एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस प्लेस, कैन यू शो मी अराउंड? या श्योर। नंबर? किधर है? वो आ रहा है, उसे कुछ काम है। देख तुझे अगर आयान पसंद है ना तो उसके सामने जाके सब कुछ कन्फेस कर दे। ऐसी बात जितनी ज्यादा दिल में दबाई जाए ना उतनी ज्यादा चुभती है, और उसे भी हक है सब कुछ जानने का। मुझे आयान कब से पसंद आने लगा? ऐसे उल्टे सीधे कंसेप्ट दिमाग में से निकाल दे और गांजा भी कम कर दे। वैसे भी उसके दिल की मशाल को आग देने वाली वो नई लड़की आ ही गई है ना। क्या हो? फिलहाल तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं लिखना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में जिनके बारे में लोग सोचने से और लिखने से कतराते हैं। उन रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स के बारे में लिखना चाहता हूँ जिनके पास सीरियन बच्चों की लाशें खींचने का समय तो है पर उनकी मदद करने की फुर्सत नहीं। उन्हें तड़पते हुए फ़ोटो खींच लेते हैं मगर उनकी मदद करने नहीं जाते। मैं कश्मीर को एक आतंकवादी की नज़रों से नहीं एक फौजी की नज़रों से लिखना चाहता हूँ। मैं लोगों को लव और लस्ट का फ़र्क समझाना चाहता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात
मैं अपनी दास्तान खुद लिखना चाहता हूँ, ये हक मैं किसी और को नहीं देना चाहता। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की दास्तान खुद लिख पाते हैं। ज़्यादातर तो वो हक बचपन में ही खो देते हैं। सबकी अपनी एक दास्तान होती है और कुछ लोगों की दास्तान जुड़ भी जाती है। मैं भी अपनी एक दास्तान किसी ऐसे शख्स से जुड़ना चाहूँगी जो अपनी दास्तान खुद लिखता है। कुछ दिल पास होकर भी साथ नहीं और कुछ साथ होकर भी दूर है, मगर शायद दोनों ही हालातों से मजबूर है। कुछ दिल थे करीब मगर सरहदों ने फासले बढ़ा दिए, जहां फासले भी न थे कभी हालातों ने फासले वहां बना लिए। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो बाद में करते हैं। आई एम सुपर लेट फॉर वसीम्स बर्थडे। सब गाली देंगे मुझे, बोलेंगे प्यार क्या मिल गया यार को भूल गया। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चल बाय। एक्चुअली आई मूविंग टू ईटानगर फॉर माई हायर एजुकेशन। मुझे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है, एंड इफ आई परफॉर्म वेल दे सेंड मी टू इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंडन फॉर जॉइंट रिसर्च। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली वांट टू हैव इट, बट मैं दूर तुमसे तो हमारे रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। आई डोंट नो व्हाट टू डू। हमारे रिश्ते में दरार क्यों आई? तुम ये सोचो कि हमें एक मौका मिला है हमारी मोहब्बत को साबित करने। अगर ये फासले हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते तो लेने दो, हम बता देंगे कि उनकी औकात नहीं हमारे पक्के रिश्ते पर। बताओ कब जा रही हो? कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। आई मिस यू एंड योर प्राइमरी बिल। आई मिस यू। बस बढ़िया भाई। बाय द वे अयान, हाउ इज योर रिलेशनशिप गोइंग विद मलाइका नाउ? इट्स गोइंग गुड। बात कम होती है थोड़ी, अभी बिजी होगी शायद। क्यों? तुझे उस पर भरोसा है? मोहब्बत करता हूँ उससे, भरोसा तो हो गई। नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली लास्ट वीक मैं अरुणाचल गई थी आईवी के लिए, तब शायद मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा और काफी करीब थे वो दोनों एक दूसरे से। तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड पे जासूसी करने गई थी? ये सब तुम्हारी गंदी सोच है। तुम चूते क्या जानो मोहब्बत क्या चीज है? ये सब है ना तुम्हारा प्रॉब्लम है। जाओ। ए, रुक रुक रुक, ये क्या किया अभी तूने? अब अपने दोस्तों पे हाथ उठा रहा है तू? उस चार दिन के प्यार के लिए हम पे शक कर रहा है तू? यू फाइटिंग अस फॉर दैट बिच। ये
ये ले, पी ले, बेटर महसूस करेगा। बीसी, क्या ही है? भाई जब इंसान का दिल टूटता है ना, उसके दिल की धड़कन कम हो जाती है और उसके दिल पे प्रेशर बढ़ जाता है, एंड ही इज मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेस। पोटैटोज आर रिच इन पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C एंड फाइबर, एंड दिस कॉम्बिनेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिसीजेस। तो ये, और ये जो वोडका है, ये वोडका भी आलूओं से बनती है, तो तू अब इसको पिएगा तो थोड़ा बेटर महसूस करेगा। अभी इसे गटक ले और बता मुझे कि हुआ क्या था। तूने भी पिया है क्या? हाँ भाई, तुम लोगों से झगड़ने के बाद मैं घर गया उस दिन। उससे कॉल करने की कोशिश की पर बात नहीं हो पाई। फिर सोचा उसे जाके सरप्राइज कर दूं, वो फ्रेश भी हो जाएगी और उसे अच्छा भी लगेगा। फिर एक सेकेंड, तुम इधर आए और कब? तुम्हें सरप्राइज करने, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो कहीं और चलते। अरे यार इतने दूर से हो, पानी तो पिला दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आई। कौन है वो लगता है उसी का जिसे तुम मुझे बन गई थी ना काम डाउन अयान भाई है वो मेरा इसी काम ने करता इसीलिए इसे सो रहा है अच्छा मैं क्या पागल हूँ मलाइका मेनन का भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा चिल्ला मत उठ जाएगा वो कजिन ब्रदर है वो मेरा तुम मेरे बारे में घटिया सोच ही नहीं एक गलत इंजाम लगा रहे हो तुम क्या इधर और ये कौन है कुछ नहीं हुआ सिद्धार्थ तुम अंदर जाओ तुम कौन हो मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तू कौन है लगता है तुम्हें इसने बताया नहीं हमारा एक साल से रिलेशन है अयान इसने मुझे बताया कि तुम्हारा 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ क्योंकि तुमने इस पे हाथ उठाया। मैंने? बताओ इस आदमी को कुछ, क्या चल रहा है यहाँ? क्या है ये सब? कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। क्यों खेल दिया दो जिंदगियों के साथ मलाइका? खुदा से डर लिया करो। एंड सिद्धार्थ नाइस शूज। ये शूज मेरे नहीं है। क्या भैंचोद भाई, तू ठीक है अभी? सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। भाई तू ही बता गलती क्या थी इसमें मेरी? चाहता था मैं उसको, अब तो ऐसा लगता है जिंदगी झंड है। चुप कर भैंचोद, जिंदगी अब तुझे बेकार लगने लगी है। हर साल 21,000 बच्चे गरीबी की वजह से मर जाते हैं, न जाने कितने बच्चे एयर स्ट्राइक्स की वजह से सीरिया में मर रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैदा तो होना चाहते हैं लेकिन कुदरत उनमें जान डाल के वापस खींच लेती है। 21% बच्चे पैदा तक नहीं हो पाते मिस कैरेजेस की वजह से, किसी के माँ बाप खराब होते हैं, किसी का घर खराब होता है, और तुझे ये सब मिलने के बावजूद जिंदगी बेकार लगने लगी है। हाँ भाई, ये जिंदगी इतनी बेकार होती ना, सॉरी या फिर जिंदगी इतनी हसीन होती ना, बेकार तो तू बोल रहा है भैंचोद, जिंदगी अगर इतनी हसीन होती ना तो हम इस दुनिया में रोते हुए नहीं आते। Life is like a rope, bro, and you have to balance your shit while you are walking on it. You know that crap they tell you about falling down and getting up and falling down and again getting up? That's complete crap. It's about how well you dwell. हाँ, तुम्हारा balance कभी कभी बिगड़ सकता है, तुम गिरने के चेहराओं पे आ सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही संभालना होगा। तू तो अपनी जिंदगी की दास्तां खुद लिखना चाहता था ना, तो अब क्या हुआ? वो हक दे दिया किसी और को, और वो भी उसको जिसको तेरी परवाह तक नहीं है। एक हालात के सामने, बस एक हालात के सामने तूने अपने घुटने टेक दिए। बात करता है साला, मैं अभी जा रहा हूं सोने, तू भी सो लेना। और सुसाइड वुसाइड करने का कोई बेकार सा घटिया सा कोई नेक इरादा आ गया ना तेरे दिमाग में तो मेरे घर पर मत करना, और निकाल देना उसको जहन से, क्योंकि भैंचो तू तो निकल जाएगा लेकिन मेरे को अपनी जिंदगी सारी जेल में काटनी पड़ेगी। जरा सोच मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर सो जा। क्यों ना मैं ये दास्तान
अपने कलम से लिख दूं। इस कहानी का अंत तो आयान ही तय करेगा, क्योंकि वो अपनी दास्तां खुद लिख रहा है। ये उम्मीद है कि आपने भी वो हक अब तक गवाया नहीं होगा और आप भी अपनी दास्तां खुद ही लिख रहे होंगे। आप लिख रहे हैं।